सभी जितने भी न्यूज़ वाले यहाँ पे आए हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप ये तो बहुत पहले का एक वो था, मेरा जर्नी था जिसे खोलना था, ये आज जाके पूरा हुआ है। और इसमें सब मेरे सपोर्टिव हैं, जो मेरे माता पिता हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, ये सबका हेल्प है जिसे मैं यहाँ तक लगाया हूँ। सो ये जर्नी आगे तलक भी बढ़ेगी और इसके ब्रांचेस और भी आगे बढ़ेगी। कोशिश है कि बनारस, पटना जितना दूर हो सके, जितना फैल सके उतना फैले। अच्छा, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है, कंटेस्टेंट्स है, या फिर जो इसमें ज्वाइन होना चाहते हो, कैसे आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कैसे ज्वाइन कर सकते हो? आप ऑलरेडी जितने भी लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं या फेसबुक से जुड़े हैं ऑलरेडी, सो ये पोस्ट वहाँ पे पोस्ट होगा। आपको अगर लकी डांस एकेडमी आप डालेंगे तो उसके नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, 8355992256, मैंने भी बोल दिया है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, बिहार में ही खोलने का क्यों मन बनाया? क्योंकि अंधेरी में ज़्यादातर देखा जाता है कि डांस एकेडमी जो है वो अंधेरी और उस तरह के इलाकों में ज़्यादा। एक्चुअली सर, मेन मेरा जो मुद्दा है, अंधेरी में सिर्फ डांस सीखने के बहाने नहीं आते, सब अलग अलग एक वो होता है, टैलेंट कहीं पे भी सीखा जाता है, ज़रूरी नहीं कि अंधेरी में ही एक होता है। विरार में बहुत ज़्यादा टैलेंट्स होते हैं, जो यहाँ के जो बच्चे हैं इतने टैलेंटेड हैं कि यहाँ पे सिखाने में बहुत ही मज़ा आता है, उनको एक पॉलिश करने में बहुत ही मज़ा आता है। सो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो भी ये वीडियोज़ देखे, आपको अगर एडमिशन लेना है या कहीं भी सीखना है तो प्लीज़ आइए, एडमिशन लीजिए और सीखिए, आगे बढ़िए। विरार में या विरार के आसपास के जो इलाके हैं उसमें अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान आपके माइंड में है? सी देखिए, यहाँ पे कैसे है कि आज के डेट में सबको क्रेज़ चढ़ा हुआ है। सो क्रेज़ से ये होता है कि आदमी, मेरा एक ही मानना है कि कोई कुछ कोई भी काम करे बट अपना घर चलना चाहिए। सो टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भूखा नहीं मर सकता, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो अपने आप को आगे बढ़ाएगा ही, और टैलेंट जिसके अंदर है वो कभी रुक नहीं सकता। सो कंटिन्यू बढ़ते रहेगा जो भी है, जहाँ से भी है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, कैसा भी हो, टैलेंट अगर उसके अंदर माँ सरस्वती विराजमान है, सो आगे बढ़ेंगे वो लोग। लकी डांस एकेडमी में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी? लकी डांस एकेडमी में फुल ऑफ डांस, जो भी जितने भी टाइप ऑफ डांस है, कैटेगरीज हैं, आप जब जाएंगे तो एक प्रोफाइल पर दिखेगा, आपको जो भी सीखना है इसके अंदर आप सीख सकते हैं। अच्छा, डांस एकेडमी जो है लकी डांस एकेडमी, वो सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम करेगी या फिर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराएगी? ऐसा तो नहीं है कि ये एक होता है कि डांस सिर्फ सिखा दिया और वो अपने स्ट्रगल पीरियड्स में स्ट्रगल ही कर रहा है। सो मेरा कोशिश यही रहेगा कि जितने भी मेरे म्यूज़िक वीडियोस आते हैं ऑलरेडी, जो बड़े पैमाने पे जो रिलीज़ हो रहे हैं, सो कोशिश रहेगा कि मेरा हर एक स्टूडेंट्स मेरे हर एक वीडियोज़ में दिखे। आपकी वीडियो की बात हुई है, रिसेंटली कुछ लॉन्च हुआ है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी, सारे का मैं से मेरे प्रोजेक्ट अभी नंबर ट्रेंडिंग पे चल रहा है, अगरबत्ती आज ही रिलीज़ हुआ एक तेल नीलकमल जी का, और बहुत सारे सॉन्ग्स है, खेसारी जी के भी हैं, पवन जी के भी हैं, अभी हर हर गंगे जो रिलीज़ हुई है तो उसमें भी एक मेरा सॉन्ग किया हुआ है, हर हर गंगे में पवन जी ने किया हुआ है, और भी आगे प्रोसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं जो अभी रिलीजिंग नहीं हुए। सो आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। एक बार लास्टली, कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे? विरार में कहाँ पर है ये लोकेटेड, वो ज़रा बता। ये विरार वेस्ट में है, आप विरार वेस्ट से स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत ही नज़दीक है, मे बी 15-20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस होगा, या आप ऑटो भी करके आ सकते हैं, बाय कार, बाय बाइक, किसे भी आ सकते हैं, बस 5 मिनट का रास्ता है। एकता पार्क विले इस बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे ये स्थित है, और ये नियर टू ग्लोबल सिटी है विरार वेस्ट। सो आप लोग नंबर गाला शॉप नंबर 9 आप आ सकते हैं। पहले तो सभी को धन्यवाद, लकी को भी इन्होंने पहले से काफ़ी टाइम से उस ये एकेडमी, लकी डांस एकेडमी खोलने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो भी आज जाके अवसर मिला है इनको और इन्होंने शुरुआत की है, सो इनको हार्दिक शुभकामनाएँ, हाँ, एज अ ब्रदर, और आगे बढ़ें,
खूब तरक्की करें, और इनकी ये हॉबी है, इस हॉबी को ये लेकर आगे चल रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ लगातार ये जिस तरह से इस फील्ड में सफलता हासिल करते हुए चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहे। अच्छा, शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो किस तरह से ये टैलेंट उनके अंदर आया, कैसे पहचान हुई कि डांस में बहुत अच्छा कर सकते हैं? शुरुआती दिनों में क्या आप लोगों ने सपोर्ट किया या क्या रहा, किस तरह का दौर रहा? एक्चुअली इनको तो पहले ही से जब 10th इन्होंने क्लियर किया था तभी पिताजी ने इनसे पूछा कि आगे क्या करना है, तो इन्होंने बोला कि मुझे डांस करना है। तो डैडी ने बोला कि डांस से कौन सा कोर्स है, इसमें कौन सा फीचर है, तो डैडी ने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने फिर दूसरी फील्ड चुनी, डैडी का मान रखा, हाँ जैसे कि ये रखते हैं हमेशा, हर किसी का ध्यान रखते हैं, तो डैडी का मान रखा और इन्होंने मर्चेंट नॉइज ज्वाइन किया। उसमें इन्होंने स्ट्रगल किया काफ़ी, 6-7 साल इन्होंने लगातार स्ट्रगल किया उसके अंदर, और उन्होंने इसमें भी सफलता हासिल की थी, वहाँ चोटी तक जाकर आए और हारा सर सारा कंट्री ये घूमे हैं, कोई भी कंट्री बाकी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। तो मेरे ख्याल से शायद वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पर भी गए थे, लैंड नहीं करने, तो बाकी इन्होंने उसमें भी बेस्ट ही किया था। उसके बाद से ये आए तो इनको था कि मुझे यही करना है, और इस फील्ड में उतरे और इन्होंने अपना बेस्ट दिया, ये स्टेप बाय स्टेप चले हैं, तो इन्होंने काफ़ी अपना बेस्ट दिया है, और आज मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं मेरे सामने, तो मुझे लग रहा है भाई चलो इन्होंने अपना इंटरेस्ट जो दिया था उसके अंदर काफ़ी इन्होंने अपना 100% दिया है जो दिख रहा है। ऐसा नहीं कि खाली जबान पे है, ओरल पे है, या किसी के लोगों के मुँह पे है, ऐसा नहीं है, लेकिन दिख रहा है। बाकी आप लोगों को भी मालूम पड़ता ही होगा, देख रहे हैं सब चीज़ें, तो इनको पहले से ही चाहत थी और इन्होंने कोर्स वगैरह भी किया हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, कभी ये मजाक रहा है कि अगर शुरुआती दिनों में ही आपको सहयोग मिल गया होता तो आज शायद स्थिति कुछ और होती? नहीं, जो लिखित है वो होना ही है, तो मलाल किसी चीज़ का होना नहीं चाहिए, खाली मेहनत होनी चाहिए। सबसे पहले सर को बहुत 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 बधाई हो। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सर मतलब हमेशा एक लेवल अप होए, ताकि मतलब सर बहुत ही आगे जाए, हमारे दिल से मतलब सर शुभकामनाएं है। और यहाँ पे ट्रेनिंग ऐसा दिया जाएगा, यहाँ पे सब स्टाइल है, बॉलीवुड है, हिप हॉप है, कंटेम्प्रेरी है, क्लासिकल है, और भी बहुत सारे स्टाइल हैं यहाँ पे जो मतलब सीखने के लिए सबको मिलेगा। तो आइए, जितने लोग भी देख रहे हैं ये वीडियो, सारे जुड़िए लकी डांस अकेडमी से और सीखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आज हम यहाँ बैठे हैं आप लोग की वजह से। और सबसे पहले तो लकी सर को बहुत बड़ा मतलब एक होता नहीं है कि आज यहाँ पे बैठे हैं तो लकी सर की वजह से, क्योंकि सबसे पहले मैं मुंबई आया था, तो पहले अपना इधर आया तो भोजपुरी ने सबसे पहले सर को मतलब एल्बम में मतलब मौका मिला था, तो उसके बाद धीरे धीरे सर से कांटेक्ट हुआ, तो आज मतलब यहाँ बैठा हूँ तो सर की वजह से बैठा हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है कि सर उस लायक समझे तो अपने साथ रखा, असिस्टेंट बनाया, और बाकी क्लास में तो सर का सब है ही है, बाकी साथ साथ हम भी हैं, सर है और मेरा भाई है। तो अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो क्या अलग उनको सीखने मिलेगा जो आप लोगों ने सीखा है, जो बाकी एकेडमी में नहीं सीखेंगे? यहाँ पे आपको मतलब एक होता नहीं, जो प्रोफेशनल, जैसे आप प्रोफेशनल अगर हिप हॉप सीखना चाहते हैं, वेस्टर्न में जितने भी स्टाइल आती है सारी स्टाइल सिखाई जाएगी। बाकी यहाँ पे एक आपको अलग से दिया जाएगा कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे देखते हैं जो हम लोग म्यूज़िक वीडियो करते हैं, बोले तो लकी सर हम टीम ही है वो, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आते हैं और फिर बच्चों से इतना, हाँ एक साल का डिप्लोमा करो, आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, झांसा दे के छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको म्यूज़िक वीडियो में आपको वो चांस मिलेगा और आप आगे भी बढ़ सकते हो। जो टैलेंट मतलब नहीं दिखा जा सकता है वो टैलेंट दिखेगा यहाँ पे। आपका अनुभव कैसा रहा सर के साथ जुड़े रहने का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी
बहुत मतलब बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, तो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते करते लक्की सर से मुलाकात हुई। जब इनसे मुलाकात हुई तो सबसे पहले इनको देखा मैंने, और इनको देख के मैं हमेशा बहुत कुछ सीखता हूँ। इनकी नॉलेज तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल आप है। और जहाँ तक मैं लक्की सर को जिस नज़र से देखता हूँ, इन्होंने अब तक जो भोजपुरी को दिया है अभी तक, मेरे हिसाब से ये मेरा थिंकिंग है और हमारी टीम का थिंकिंग है, किसी ने नहीं दिया। मैं इनसे ये चीज़ सीखता हूँ कि बहुत कुछ अलग कर सकते हैं लक्की सर, और हम इनके हमेशा सपोर्ट में रहते कि ये अलग करेंगे, हमको भी मतलब कुछ बहुत सीखने मिलेगा। और धीरे धीरे मतलब लक्की सर ने हमको यहाँ पे खड़ा किया है, हमको बहुत मतलब बहुत हम लोग खुश है कि लक्की सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और हमारा ये बहुत सौभाग्य है, आगे भी जुड़े रहेंगे, जब तक रहेंगे लक्की सर के साथ रहेंगे। सर लक्की जी सर सवाल है छोटा सा, अगर बिग बॉस में आपको मौका मिले तो क्या जाना चाहेंगे? बिग बॉस में मौका मिले तो जाना कौन नहीं चाहेगा, हाँ पर मिलेगा तो बहुत कुछ बदलेगा भी। बिग बॉस आप देखते हैं? हाँ देखते हैं, बट अभी फिलहाल नहीं देखते, अभी अपने आप अपने काम पे फोकस है। आप लोग? हाँ देखते हैं, देखते हैं, जरूर देखते हैं। एज अ मैं दिखता भी हूँ कि बिग बॉस में सर को मैं एज अ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सर के ऊपर कहा था सर, जैसा मतलब आपका थिंकिंग है ना, आप मुझे दिख रहे हो। सर को मैंने कहा था एक बार कि सर आप मतलब हो उस लेवल के हो सर आप, तो बाकी आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया आज यहाँ पे। आने वाले टाइम में वो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्द आएंगे सर, दिखेंगे उस मुकाम पे, दिखेंगे बहुत जल्द, और हमें बहुत खुशी होगी कि हम मतलब चाहते हैं दिल से कि सर बहुत आगे जाए, और सर के पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। सर पहुँचे तो हम लोग पहुँचेंगे ही। सर के आदर से तो आप लोग वाकिफ होंगे, वो कंट्रोवर्सी में जाने वाले हैं या? सर हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं, वो हमेशा दिखता है हम लोग। और जब से सर इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री ज्वाइन किए हैं, ऐसा हमें बहुत चीज़ से पता चलती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा कैसा कौन बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, तो पता चल जाता है कि कौन क्या कैसा कर रहा है। बट ठीक है, हमें थिंकिंग वैसी नहीं है, हम खाली अपना काम अच्छा करना चाहते हैं, बाकी लोग से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिग बॉस का कौन पसंद है आपको? बिग बॉस में मुझे इस वक्त इस ये सीज़न एक नया सीज़न इस सीज़न का मुझे अंकिता लोखंडे है, फारूकी जी भी है अच्छे। एक्चुअली मैं तो फिलहाल नहीं देखता हूँ बिग बॉस। मैं देखता हूँ इसलिए सर को देखता हूँ। और सर पवन जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे? पवन जी, पवन भैया को बहुत बहुत प्यार भरा मेरा नमस्कार है, और उनके साथ में मैंने पहला सॉन्ग किया था हर हर गंगे का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनको शायद मेरी जो कंटिन्यू एक मेरा एल्बम आता था खेसारी भैया के साथ, तो टेक्निकली देखा जाए तो एक टेक्नीशियन सबका है, किसी एक का नहीं, सबका है। सो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ, मैं आपका भी, मैं आपका भी, मैं आपका भी। सो उनके दिमाग में शायद ऐसा था, सो वो गलत फहमियाँ दूर हुई हैं, उनको भी लगा है कि नहीं मेरे अंदर एक टैलेंट है, मेरे अंदर टेक्नीशियंस है जो जिसका मैं फुल काम कर सकता हूँ, उनके साथ में काम कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी एक हम लोग ने काम किया रिसेंटली हर हर गंगे के बाद, मेरा आई थिंक सो ये दूसरा काम होगा उनके साथ में। सो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, वो कमिंग सून पे है। सो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं पवन भैया, दिल के बहुत साफ़ हैं। सो उनके लिए तो जब पहली बार मैं मिला था तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो मतलब बहुत ही घमंडी हैं, ऐसा ऐसा है। बोलते हैं कि चेहरा जैसा होता है तो वैसा इंसान नहीं होता, तो उसके अंदर की किताबें भी पढ़नी चाहिए, तो अंदर से आदमी बहुत मुलायम। सो उसके लिए बहुत बहुत प्यार है हमारे। पवन सिंह खेसारी लाल को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? देखिए पवन सिंह और खेसारी भैया में चुनना चाहेंगे तो हम दोनों को चुनेंगे, दोनों में से एक, हाँ या ना? नहीं, दोनों में से एक तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी बड़े भाई हैं, वो भी बड़े भाई हैं, तो दोनों चलना है तो साथ में चलना है, या तो किसी को नहीं चुनना। फर्स्ट फर्स्ट कोई नहीं है, सब लेवल पे है, सब फर्स्ट है।